बालडा से होने वाले विधायक और आपके अपने सुख दुख के साथी और कंपटीशन है भाई, कंपटीशन है। बालडा में गया था, बालडा वाले कह रहे थे कि पूरे भिवाड़ी दादरी में सबसे ज्यादा बड़ी जीत बालडा में होगी, कंपटीशन है भाई। तो हमारे आपके अपने चौहान सोमवीर सिंह जी आएंगे और सबसे पहले वो आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। चौहान सोमवीर जी, बहुत ही भाई, सारे भाइयों ने बहुत अच्छे नारे लगाए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई आप लोगों ने अनुशासन भी बहुत अच्छा बनाया। अब हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे बाड़ा विधानसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं, और भाई परम आदरणीय हमारे, मैं कहता हूं कि हमारे इस क्षेत्र में बहुत बड़ी उनकी पहचान रही है, और बहुत ही मैं समझता हूं कि मेरे पिता के समान आदरणीय चौधरी सोमवीर सिंह जी वो हमारे बीच में आए। सोमवीर सिंह जी का मैं यहाँ आने पर अपनी तरफ से भी सब की तरफ से धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि हमारे सोमवीर सिंह जी आपने विचार आप लोगों के और हमारे भाई सारे साथियों को मैं पहले भी कह चुका हूँ, जहां भी आपकी रिश्तेदारी पड़ती हो, जितना जोर आप लोगों ने हल्का लुहारो में लगाया है उससे भी दूना जोर हल्का बालडा में भी आप लगाने का काम करेंगे। अब आप लोगों से निवेदन है कि सुबह से अनुशासन में रह करके आपने जो मान सम्मान दिया, और भाई मैं धन्यवाद करता हूँ भाई दीपेंद्र जी का कि हमारे बीच में आकर के और एक मान सम्मान के रूप में जो मेरी हमेशा मैं कहता था भाई साहब जब आप एक बार पहली बार जब आओगे तो इतना बड़ा मान सम्मान करेंगे जो कि पूरे देश में उसकी आवाज जाएगी, आज पूरी छतों के ऊपर पूरे भैल के अंदर 20 किलोमीटर में हमारे नौजवान साथियों की टीम है, टाट से टाट मिली हुई है, कहीं कोई जगह नहीं है। धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय भाई दीपेंद्र जी का, और अब हमारे बीच में हमारे बहुत ही परम आदरणीय चौधरी सोमवीर सिंह जी अपने विचार रखेंगे। चौधरी सोमवीर सिंह जी, आदर और सम्मान के योग पार्लियामेंट मेंबर दीपेंद्र हुड्डा जी, लुहारुचे उम्मीदवार राजवीर भाटिया जी, स्टेज पर खड़े हुए सभी उपस्थित एक्स एमएलए और सम्मानित मंच, मेरे सामने खड़े हुए सभी उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता व बहनों, मैं आज जिस तरह से मेरे सामने ये हाजिरी है इससे साफ जाहिर होता है आने वाले समय के अंदर हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। लोगों ने मन बना लिया है, बीजेपी की सरकार को बदलने का लोगों ने मन बना लिया है, और बीजेपी की सरकार बदलेगी तो अल्टरनेटिव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस का अल्टरनेटिव है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इलाके के अंदर काम किए हैं, बिजली का, नहर का, सड़क का, जगह जगह अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कॉलेज, चाहे बहल हो, चाहे लोहारू हो, चाहे शिवाणी हो, बनाए हैं, जगह जगह स्टेडियम बनाए। मैं तो ये कहूँगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मेरे पारिवारिक संबंध है हमेशा, चाहे मैं तो ये कहता हूँ जब नहीं वो एमपी थे नहीं मैं एमएलए था तब के हमारे पारिवारिक संबंध हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे को अपने बुजुर्ग पिताजी की तरह मान सम्मान देते हैं, और मैं आप लोगों से सभी से उम्मीद करता हूँ अगर आप चाहते हो कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, तो यहाँ से ज्यादा वोटों के कांग्रेस पार्टी को जिताए। मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ, इतनी काफी जैसे समय थोड़ा है, मैं ज्यादा समय नहीं लेके आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ, मिलो आरू से राजवीर फटिया उम्मीदवार है, यहाँ से कामयाब दिलाओ। धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। अब ये हमारे प्रत्याशी भाई, हमारे जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे नेता हैं और बाड़ा से प्रत्याशी, क्योंकि बहुत से विधायक, पूर्व विधायक और साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, केवल जो हमारे दोनों प्रत्याशी आपके बीच में बोल रहे हैं, तो भाई सोमवीर जी आप राजवीर फटिया जी आए और अपील करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य
धन्यवाद। नौजवान साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस जोश और होश के लिए। हमारे बहुत ही आदरणीय और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत सादगी के प्रतीक भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को, जो आप लोगों के बीच में अपने विचार रखने के लिए और हमारा जो विधानसभा का जो चुनाव है उसकी अपील करने के लिए आपके बीच में आए भाई, मैं अपनी तरफ से भी और आप सभी की तरफ से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आप लोग एक बार सारे ऊपर हाथ उठा करके भाई का धन्यवाद करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद करता हूं भाई। नौजवान साथी हो आपका, हमारा जो 12 तारीख को, और मैं धन्यवाद सबसे पहले भाई दीपेंद्र जी का करता हूं, जो आपकी आवाज थी और भाई आपके मान सम्मान की बात थी वो सबसे बड़ा, मैं हमेशा जो कहता हूं कि उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा तो भाई दीपेंद्र जी का रहा, जो अपना भाई, अपने भाई के प्रति जो लड़ाई लड़ी उसके लिए हम सभी की तरफ से, और भाई आपकी तरफ से भी, क्यों आपकी भावना थी, आपकी भावना को समझते हुए, जन भावना का आदर करते हुए भाई ने जो लड़ाई लड़ी आपके मान सम्मान को दिया भाई, भाई का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि इस मान सम्मान को हम कभी झुकने नहीं देंगे, नहीं झुकने देंगे ना इस मान और सम्मान को। ये जो हल्का लोहारों की मान और सम्मान की बात थी, और भाई ये मान और सम्मान सारा का सारा श्रेय भाई दीपेंद्र जी को जाता है, जो कि आप लोगों की आवाज को किसी ने समझा तो भाई दीपेंद्र ने समझा। और मैं धन्यवाद करता हूं आप लोगों का, हमारा जो इलेक्शन का, जो हमारा चुनाव का प्रचार 20 दिन चला, 20-22 दिन, और भाई रात दिन मेहनत करके वो सारा का सारा, मैं कहता हूं कि धन्यवाद करता हूं हमारी माता बहनों का, आज सुबह से बैठी हुई है मेरी माता और बहनों, आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। आज तो कुर्सियां भी नहीं मिली आपको, मैं देख रहा था पीछे कई हजार तो वैसे ही खड़ी हुई थी, तो एक दिन के लिए जो आप लोगों ने अपने बेटे और भाई के लिए, मैं कहता हूं कि जो संघर्ष की लड़ाई में आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया, लगातार 5 साल से आपके बीच में आने का मौका मिला, और भाई इस लड़ाई में शुरू में जब मैं आता था 5-10 हमारे नौजवान साथी होते थे, जैसे हवाई जहाज ऊपर चढ़ती है आप लोगों ने जो चढ़ाने का काम किया, वो सरे सारा का सारा 36 भाई के बिरादरियों को, बिरादरी के भाइयों को जाता है, जाता है तो हमारी माता और बहनों को जाता है। रैलियां बहुत होती है लेकिन इतनी संख्या में, हजारों हजारों की संख्या में, लगातार 12-13 घंटे रात के अंधेरे में भी मैं गांव में गया, और हमारी माता और बहने 2-2 बजे तक पंडाल में बिना रोक खाना खाए, बिना किसी खाए पिए, जो लगातार अपने भाई और बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। और आज भी मैं समझता हूं कि पूरे हमारे इस क्षेत्र में, और भाई बैल ब्लॉक में, जब मैं हमारे यहाँ ओबरा से चला था, ओबरा से यहाँ की बैल की जो लंबाई है, कहीं भी पार टकने टेकने की जगह नहीं है। सारे हमारे नौजवान साथियों की, हमारी महिलाओं की, हमारी माताओं की, इतनी जनसंख्या में आप लोगों ने जो इतना आशीर्वाद दिया, और हमारे बीच में हमारे बहुत आदरणीय सोमवीर सिंह भी, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए जो टाइम निकाला, उनका भी चुनाव प्रचार चल रहा है लेकिन फिर भी हमारे बीच में आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपके बीच में आए हैं। तो आदरणीय सोमवीर सिंह जी को विश्वास दिलाता हूं कि इस मान और सम्मान के लिए, सोमवीर सिंह जी के आशीर्वाद के लिए विश्वास दिलाते हैं कि उन मान और सम्मान में भाई मैं अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं रहने दूंगा, एक बाप के समान में हम, हमारे बहुत ही आदरणीय रहे हैं, 2 बार के 3 बार के विधायक रहे और बड़ी अच्छी उनकी छवि जो रही, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और भाई एमपी साहब को अभी 1-2 जनसभा और भी करनी है। नौजवान साथियों, ये हमारा चुनाव प्रचार का आखिरी जनसभा है, और मैंने जो कहा था भाई रंग लगा दियो, आपने तो 4 चांद लगा दिए। अब निवेदन एक ही है कि भाई सारे साथी गांव में रह करके और बूथ पर रह करके अपनी जो लड़ाई लड़नी है, जो हमने चुनाव प्रचार करना था वो बहुत अच्छा कर दिया, अब लड़ाई लड़नी है बूथ के ऊपर। आप लोगों को बूथ वोटर लिस्ट लेकर के
एक एक वोट अगर कहीं भी गया हुआ हो तो सारे इकट्ठे करके भाई एक भी वोट बचना नहीं चाहिए। प्रजातंत्र प्रणाली का बहुत बड़ा त्योहार है, उसमें आहुति डालने का काम आप करोगे तो आप लोगों से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोग हाथ खड़े करके कि अपने बूथ को आप अच्छी तरह से संभाल लोगे ना, हाथ खड़े करके एक बार विश्वास दिला दो। हमारे मीडिया के भाई आए होंगे, अपना कैमरा घुमाने का काम करेंगे। अब आपके बीच में हमारे साथ बहुत से हमारे एक्स विधायक और अभी के जो विधायक हैं, एक्स मंत्री हैं, बहुत से आए हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। भाई एमपी साहब को जाना बार बार कह रहे हैं, तो अब अपने विचार एमपी साहब आपके सामने रखेंगे। एमपी साहब, हमारे सभी उपस्थित मंचासीन भाई, एक बार अरे नारे बाद में लगा लेना भाई, मंच पे उपस्थित सभी हमारे नेतागण, कोई बात नहीं, ये बैठने बिठाने की जरूरत नहीं भाई, ये साम सामी वाले बैठ जाए, बाकी कोई जरूरत नहीं। सभी उपस्थित मंच पे बस को बात, मंच पे नेतागण भाई देखो एक बात बताओ, मंच पे कसूती भीड़ हो रही है कि नहीं हो रही है? इसका मतलब है थारी कसूती हवा चल रही है भाई। बीजेपी वाले के मंच पे नेता बिठान का टोटा हो रहा है। और तो ये तो सभी नेतागण एक और सभी है मेरे प्यारे, मेरे पिता तुल्य, मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहने, एक बात बताओ हरियाणा में क्या चल रहा है, उसकी सारी खबर आ गई कि नहीं आ गई? लोहारू में किसकी सरकार बन रही है? हरियाणा में पूरे हरियाणा में सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम? कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि बीजेपी ने बड़ा नुकसान कर दिया हरियाणा प्रदेश का। अब यह मौका है इस बीजेपी सरकार से वोट की चोट से जवाब देने का। जिस बीजेपी सरकार ने हरियाणा को देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी, सबसे ज्यादा नशा आज हरियाणा में, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में, हरियाणा की बदहाली के लिए कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी सरकार, विकास की पटरी से उतारने के लिए कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी सरकार, 750 किसानों की जान की कुर्बानी के लेने के लिए कोई जिम्मेदार है तो यह बीजेपी की सरकार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हरियाणा में कुचलने के लिए कोई जिम्मेदार है तो यह बीजेपी सरकार। गरीब आदमी की सारी स्कीमों को, चाहे 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, चाहे मकान की स्कीम थी, चाहे राशन डिपो पे दाल चीनी तेल की स्कीम थी, गरीब की सारी स्कीमों को बंद करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी सरकार। महंगाई के लिए कोई जिम्मेदार है प्रदेश में और देश में तो ये बीजेपी सरकार। और इतनी बेशरम सरकार है, महंगाई कम से कम इलेक्शन में तो बख्श देते, लेकिन कल आपने देखा होगा, कल गैस का सिलेंडर 50 रुपए महंगा कर दिया, आज डीएपी का कट्टा 150 रुपए महंगा कर दिया, 1500 का डीएपी का कट्टा हो गया। इलेक्शन में भी नहीं बख्श रहे तो आगे क्या करेंगे आप अंदाजा लगा लो। आज ये सरकार ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग को अपमान करने के लिए, किसान कर्मचारी हर वर्ग पे लाठी चार्ज करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो ये बीजेपी सरकार। 10 साल से प्रदेश के किसी वर्ग की कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी सरकार। हमारी बेटियों को, हमारी खिलाड़ी बेटियों को, विनेश फोगाट से लेकर साक्षी मलिक तक, 6-6 हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो यह बीजेपी की सरकार। अब मौका आ गया है वोट की चोट से इनको जवाब देके बदलाव का मौका आ गया है। कौन सी तारीख की वोटिंग है? तो 5 तारीख करो बीजेपी को फारिग। अब यह मौका आ गया है, जिस दिन वो बटन दबे उस बटन में से जय संविधान का नारा निकलना चाहिए, उस बटन में से जय जवान जय किसान का नारा निकलना चाहिए, और जब वो बटन दबे उसमें से लोहारू में इतनी तेज आवाज आए कि दिल्ली पहुंच जाए, दिल्ली तक ये आवाज दिल्ली के बीजेपी के हुक्मरानों के कानों में आवाज गूंजनी चाहिए कि ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है। हरियाणा को आप ठग सकते हो, हरियाणा का अपमान कर सकते हो, लेकिन जब ठग के और अपमान करते हो तो हरियाणा वाले हिसाब लेना भी जानते हैं और हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए, कांग्रेस की सरकार बनेगी, 36 बिरादरी के मान सम्मान के साथ हरियाणा खुशहाली की तरफ आगे बढ़े, नौजवानों का उज्जवल भविष्य हो, देश में सबसे विकसित प्रदेश हरियाणा हो,
इस सपने के साथ कांग्रेस की सरकार जन्म लेगी हरियाणा में। हर वर्ग के हित के फैसले करेंगे। बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन आते ही करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। अपनी माताओं बहनों को 18 से 60 साल तक की माताओं 18 से 60 साल तक की माताओं बहनों के लिए 2000 रुपए रसोई खर्च पेंशन अलग से बनवाने का हम काम करेंगे। जो एससी समाज के हमारे गरीब परिवार हैं बीपीएल के 36 बिरादरी के, दोबारा से 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम को दोबारा शुरू करेंगे और जरूरतमंद को 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता दिलाकर मकान पास करके इंदिरा आवास योजना में मकान बनवाने का कार्य करेंगे। नौजवानों को 2 लाख सरकारी पद जो खाली पड़े हैं उन पर रोजगार, पक्की रोजगार, नौजवानों को पारदर्शिता से मेरिट पर और समयबद्ध रूप से नौजवानों को हरियाणा के अंदर सरकारी रोजगार दिलवाने का कार्य कांग्रेस पार्टी करेगी। किसान को MSP गारंटी, और जिन किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी थी किसान आंदोलन में, जैसे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने किया, उसी तर्ज पर हरियाणा में भी जब आपकी सरकार आएगी तो उन 125 किसान परिवारों को एक एक सरकारी नौकरी देने का काम हम करेंगे किसान भाइयों के लिए, ताकि कोई देश में कभी देश में दोबारा से कोई एक इस तरीके से किसान को प्रताड़ित करने का कोई काम ना करे और उस आंदोलन को हम ना भूलें। और हर वर्ग के लिए, जैसे मैंने कहा OBC समाज के लिए, ये वो OBC समाज है, आपने देखा BJP ने कितना बड़ा तिरस्कार किया OBC समाज का। सिरसा में एक हमारे जांगड़ा समाज के एक उम्मीदवार को सिरसा में खड़ा किया था, लेकिन अभय चौटाला BJP और गोपाल कांडा ये मिल गए, जैसे पिछली बार JJP दुष्यंत चौटाला मिला हुआ था BJP के साथ, और उस एक कैंडिडेट को भी उसका नामांकन रद्द करवा दिया। BJP का एक कैंडिडेट, उन्होंने जांगड़ा समाज का एक कैंडिडेट दिया था उसका, इन तीनों ने मिलकर गोपाल कांडा, अभय चौटाला और BJP ने उसके नामांकन को रद्द करा दिया। और कांग्रेस ने, हमने एक कैंडिडेट दिया जांगड़ा समाज से जो आदमपुर में है, और मैं खुशखबरी बता दूं कैंडिडेट ही नहीं, आदमपुर से वो चुनाव जीत रहे हैं, हमारे चंद्रप्रकाश जी आदमपुर से भी चुनाव जीत रहे हैं। तो ये फर्क है। OBC समाज के लिए सरकार बनते ही OBC समाज के मांग पर जातिगत जनगणना हम कराने का कार्य करेंगे और क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक कराने का काम करेंगे। और भी जो हमारे प्रदेश की जो सारी योजनाएं वो आप तक पहुंची हैं, उनको लेते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने के साथ साथ, जहां तक लोहारू की बात है, जब हमारी सरकार थी उस समय लोहारू में जितना हो सकता था कार्य हुआ, आपको याद होगा बहल में ही, चाहे वो महिला कॉलेज की बात हो, चाहे ITI को बात हो, चाहे यहाँ पे मॉडल विलेज बनने की बात हो, पूरे लोहारू में जो हो सकता था एक, लेकिन अब आपकी सरकार बनने जा रही है और लोहारू को आप विकास में आगे देखना चाहते हैं। ये जो राजवीर है, ये मेरा भाई है राजवीर, आप इस मेरे भाई का ख्याल रखना, दोनों भाई मिलकर और हमारे अंकल सोमवीर जी के आशीर्वाद से, हुड्डा साहब के आशीर्वाद से, भाई देखो भाई, हम दोनों भाई मिलकर चंडीगढ़ जाकर लोहारू के विकास का, आपके मान सम्मान का हम दोनों भाई मिलकर ख्याल रखेंगे, कहना चाहते हैं भाई। ये लोहारू के लिए एक बात ये कह रहे थे भाई राजवीर, कह रहे थे कि जी पानी जो कई, भाई मैं आदरणीय भाई दीपेंद्र से यहाँ के नौजवान साथियों के, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर किसी से आस है तो भाई दीपेंद्र से, आने वाला हमारा नेता भाई दीपेंद्र होगा। और भाई हरियाणा प्रदेश का भगवान करे भाई इसी योजना में मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ भाई से कि मेरे इस क्षेत्र में आज पानी की बहुत कमी है। मेरे को एक ही बात सुनने को मिलती है कि चेयरमैन साहब ये जो बार बार बातें करते हैं कि हम पानी लेकर के आए, पानी कौन लेकर के आए सब बता आपको, नहरें किसने बनवाई, चौधरी बंसीलाल जी ने बनवाई। और बात रही पानी की भाई, और पानी की मैं विश्वास दिलाता हूँ और भाई से निवेदन करता हूँ कि आपका जो पानी है भाई एक बार विश्वास दिला देगा कि आपका पानी कम नहीं होगा, सवाया होगा। और भाई निवेदन करता हूँ, हमारे इस क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है भाई दीपेंद्र हुड्डा से निवेदन करता हूँ भी, कोई उद्योग ऐसी हमारी कोई वो नहीं है, तो कोई भी सरकार बनने पर सबसे पहले भाई युवाओं के लिए जो रोजगार के अवसर पैदा करे और पानी की व्यवस्था करे, जितने भी काम होंगे हम दोनों भाई मिलकर के करने का काम करेंगे। भाई से निवेदन करता हूँ एक बार आपको विश्वास दिलाए। देखो भाई जहाँ तक, तो भाई ये राजवीर जी ने जो बात कही
पानी की यहाँ पे समस्या है, और भाई स्वर्गीय बंसीलाल जी का सपना था, उस समय बहुत सी नहर पहुँची और पानी की जो समस्या है भाई, जितना पानी चल रहा है उससे सवा करके पानी लाके उस सपने को पूरा करने का काम करेंगे भाई। उस सपने को, स्वर्गीय बंसीलाल जी के सपने को लोहारू में भाई गांव गांव डांडी डांडी तक पानी पहुंचे, तो जितना पानी चल रहा है सवा करके। और भाई ये पानी की और किसानों की बात उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती, जो किसानों की कुर्बानियों का मजाक उड़ाते थे उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। ऐसे कैंडिडेट कई आपके बीच में आएंगे जिन्होंने देश के सामने, जब देश में एक एक शव वापिस आ रहा था धरनों से, देश में कोई बीजेपी, ये ठीक है कि बीजेपी के किसी नेता ने सहानुभूति के दो शब्द नहीं कहे, लेकिन कम से कम मजाक नहीं उड़ाया। ये लोग ऐसे थे कि देश में तमिलनाडु में टीवी चला कि हरियाणा के एक मंत्री ने किसानों की शहादत का मजाक उड़ाने का काम किया। भाई ऐसे लोग किसान के मजदूर की कहां बात समझेंगे। आप ऐसे लोगों को वोट की चोट से जवाब देना, ताकि तमिलनाडु से लेकर केरल से लेकर और कश्मीर तक ये संदेश जाए कि कोई करेगा किसान का अपमान तो हरियाणा लोहारू नहीं करेगा उसको माफ, ये मैसेज जाना चाहिए। तो भाई ये भाई बताओ, एक बात बताओ भाई, एक बात तुम मान लो दूसरी बात हम मानेंगे भाई, तुम ये बताओ भाई, यहाँ से बड़े बड़े आशीर्वाद के साथ मेरे भाई राजवीर को बड़े आशीर्वाद के साथ भेज दोगे बुलाओ चंडीगढ़, बताओ भाई। भाई दूसरा काम हमारा भाई, 5 तारीख को तुम बड़े आशीर्वाद के साथ इसने चंडीगढ़ खंदा दियो, दूसरा काम हमारा है 8 तारीख के बाद भाई लोहारू के कामों की, भाई लोहारू के विकास कार्यों के लिए, पानी के लिए, आपके मान सम्मान 8 तारीख के बाद मीटर दोनों भाई खींच देंगे भाई ऊपर चंडीगढ़ जाकर। और भाई चंडीगढ़ आप भेजोगे खाली हाथ, भाई को नहीं आने देंगे, लोहारू के विकास कार्यों के लिए जड़ी लगाने का कार्य करेंगे भाई। ये भाई भाई हल्के की जिम्मेदारी दोनों भाई, बताओ भाई ये मोटते हो तो भाई, तम जिताने की ओटो और हम तीनों भाई। ये देखो लोहारू तो एक ऐसा हल्का है प्रदेश में, लोहारू एक ऐसा हल्का है जहां दो दो विधायक बनने लग रहे हैं भाई। और भाई सुनो, यह बात भी मैं भूल गया था भाई, 3 विधायक बन रहे हैं, अनिल मान भी यहीं का, वो भी नलवा जीत गया। तो भाई भाई सुनो, और जो रिन की टिक्की का एड चला हुआ है, आपने देखा होगा टीवी पे विज्ञापन रिन की टिक्की का चला हुआ है कि भाई जो है 2 टिक्की उसके 3 टिक्की उसके साथ 1 फ्री। तो भाई ये 3 विधायक तो बन रहे हैं, तीनों विधायक बनेंगे और उसके साथ थारा भाई दीपेंद्र फ्री भाई लोहारू का। तो भाई ये हमारी जिम्मेदारी है, बताओ भाई हमारी बात ओटोगे क्या? फिर हमारी जिम्मेदारी चंडीगढ़ में आपकी सरकार बनाएंगे। मैं इजाजत लूंगा क्योंकि हेलीकॉप्टर में 3 मीटिंग और करनी है। भाई सुनो भाई, एक बार थोड़ा स्पीड से जाने दियो भाई, बीच में मत रोकना, ये लड़ाई आखिर उस तक पहुंच गए भाई, अब 2-3 घंटे की है, बीच में 2-3 जगह और अपना जवाब सुनते हो सारी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सुनो भाई, और भाई देखो भाई, एक बात जो राजवीर जी ने कही आज सुनो, एक बार को